जिनू, इसमें जहर का खोया होगा, ढूंढने का जहर छिड़क दो। जो हुक्म मेरे आका। भाई अब ये तावीज आपको उन दोनों जहरीलों तक पहुंचाएगा। एक और बात, लाल जादू की वजह से काम बनने की जगह बिगड़ रहा है, जब तक हम नहीं आ जाते चाहे तो मत करना। अम्मी हम चलते हैं, उम्मीद है कामयाब होकर लौटेंगे। एक दूसरे का ख्याल रखना और जल्दी लौट कर आना। बरसों पहले एक रात बहुत तेज बरसात हुई। इतनी तेज कि देखने वालों को लगा जैसे आसमान रो रहा है। ये काटो। लिखो, देखने वालों को लगा जैसे दरिया आसमान से बहने लगा हो, और ऐसे रात में दो भिखारी कांपते हुए एक रईस के घर पहुंचे। भिखारी? अरे नहीं, देखा तो मैंने, वो जो कुछ भी कह रही हैं, वो किताब और कलम अपने आप उसे लिख रही हैं। ये सब देख रही हो ना, ये दर्जादी की जादुई दुनिया है। और फिर एक भिखारी फरियाद करने के लिए बेचैन होने लग गया और बार बार दरवाजा खटखटाने लग गया। सरजादे, आप क्या ये अपना जरूरी काम और कहानी बंद करके हाल फिलहाल के लिए हमारी बात सुन सकते हैं? देखिए, हमने आपको यहाँ आने की अपनी वजह तो बता दी, आप हमारी मदद क्यों करेंगी इसका इरादा भी बता दें। आप उस शहजादे अलादीन को काले चिराग के मुहिम पर इसलिए भेजेंगी क्योंकि ऐसा करने पर हम आपके अब्बा हुजूर काले चिराग के काले जिन को पारित कर देंगे। मैं वादों पर नहीं, सबूत पर यकीन करती हूँ। हाँ तो बताइए, हम आपका यकीन कैसे जीत सकते हैं? मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें अपनी कोई खास चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। अच्छा, क्या? तुम्हारी बहन की जिंदगी। अगर मैं अलादीन को उस काले चिराग की मुहिम तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद कर दूं, तो जब तक मेरे अब्बा आजाद ना हो तब तक तुम्हारी बहन मेरी कैदी बन के रहेगी। मंजूर? आखिर मेरे दिल में इस बंदर की बच्ची के लिए क्या है?
अगर तुम्हारे दिल में हमें लेकर कोई सवाल है तो मतलब अगर परेशान कर रहे हो सवाल तो हमसे पूछ सकती हो। अच्छा तो बताओ, मैं जहाँ भी देखती हूँ मुझे तुम नजर क्यों आते हो? जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मेरा दिल जोरों से क्यों धड़कता है? तुम किस हक से मेरे ख्वाबों ख्यालों में आते हो? जवाब है। शहजादे ऐसे ही होते हैं। घर के बच्चे। अरे ले ले बैठो 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 बैठो। अरे ले तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो, बहुत जोर से लगी है, डर तो नहीं हो रहा? कुछ पूछ रहे तुमसे जोरनी, बताओ। बातें कर रही है ये। एक तो हम मेरे भाई जान आपके और आपके अब्बू जान की मदद करने आए हैं और आप है कि हमें कैदी बनाना चाहती हैं। भाई साहब आप चलिए हमारे साथ, हम ही कोई तरीका ढूंढते हैं, ये कि हमारे किसी काम की नहीं है। चलिए चलिए। वो नहीं जाएगा। अरे इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होते रहती हैं। अब तुम तो नहीं पूछोगी ये बात किसने कही, इसलिए हम ही बता देते हैं। ये अब तक तो नहीं कही, पर एक दिन कहेगा जरूर। अब तो हमारी तरफ देखो। वो मैं यहीं खड़े रहना है क्या? आगे नहीं चलना? डर रही हो ना कि जो बात तुम्हारी जुबान ही कह पा रही है कहीं वो तुम्हारी आंखें ना कह पा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो फिर देखो 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 देखो, जब तक जहर और जफर नहीं मिल जाते और ये सफर खत्म नहीं हो जाता, मैं तुम्हारी तरफ ना देखूंगी और ना ही तुम्हारे बारे में सोचूंगी। सही खेल गए, ये सफर कब खत्म होगा? तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं। चोरनी! देखो मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी, ऐसे बताओ क्या? अरे जादुई तावीज खो गया। क्या? हाँ। चलो। जिन्नू ने कहा था कि तावीज का पीछा करते रहना है, लेकिन तुम्हें तो गप्पे लड़ाने थे, अब जफर और जहर तक कैसे पहुंचेंगे? हमने तो बस एक ही सवाल पूछा था, और अगर तुम्हें तावीज की इतनी फिक्र थी तो हमसे बात ना करती। गलती तुम्हारी, गलती तुम्हारी, रुपया हमपे लगा रही है। मिल गया, मिल गया। शुक्र है। अच्छा वो तावीज मिल गया, मैं तावीज के साथ साथ जफर और जहर तक पहुंचने का रास्ता भी खो जाता। अब देखते हैं कि तावीज कहां ले जाता है। ये क्या हुआ? सही खेल गए। भाईजान, भाईजान चलिए। क्योंकि तुम्हारे भाई मददगार नहीं सौदेबाज हैं, और इतना अच्छा सौदा छोड़ के तुम्हारे भाई कहीं नहीं जाने वाला। क्यों जफर, सोच लो, इस सौदे में अगर फायदा हुआ तो हम दोनों का होगा, हम दोनों को अपने करीबी लोग मिलेंगे, वरना हम दोनों किसी अपने को खो देंगे। हम बता दे, हमें बाईं तरफ चलना चाहिए? नहीं नहीं, हमें दाईं तरफ चलना चाहिए। बाईं तरफ? दाईं। बाईं तरफ? दाईं। मैं बता रहा हूँ ना, कल तुमने बिरयानी बनाई थी। कल मैंने कबाब बनाए थे। अरे पर मैंने बिरयानी खाई थी। रसोई से आते आते कबाब बिरयानी बन जाते हैं क्या? बेगम, निकाह के इन 30 सालों में तुमने बातें कम की है और लड़ाई ज्यादा। हमारे निकाह को 30 नहीं 35 साल हुए हैं। नामुमकिन, 30 हुए हैं। 35? 30? 35? तुम लोग कौन हो? अब मैं यास्मीन और ये अलादीन। नाम तो सुना होगा, क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि आप दोनों का निकाह एक दूसरे को पसंद करके हुआ था या फिर आपके घर वालों ने? जो किया हमने खुद किया। जी नहीं, हमें हमारे घर वालों ने मिलवाया था। अरे बेगम, पहले एक दूसरे से इश्क हुआ था फिर निकाह? जी नहीं, पहले निकाह फिर इश्क। ये दोनों तो हम दोनों से भी ज्यादा लड़ते हैं। 30 साल बाद हमारा भी यही हाल होने वाला है। 30 नहीं 35। पकड़ी गई, हम तुम निकाह करेंगे? कभी नहीं। पकड़ी तो तुम गई चोरनी। अब
माफ कीजिएगा पर हम दोनों किसी को ढूंढ रहे हैं, बहन भाई हैं, आपने कहीं देखा है? नहीं, इस सुनसान जंगल में कोई नहीं आता जाता। अरे हो सकता है ना कोई आया हो, तुमने देखा क्या कोई होलिया चेहरा मोहरा कुछ तो बताओ। हम बताते हैं, उसकी आंखें बड़ी बड़ी डरावनी सी हैं। हाँ, और की बहन की भी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, ऊपर से वो इतना सारा सुरमा लगाती है कि कोई बच्चा देखे ना तो रोए पड़े। और उनके जो बाल है ना वो बड़े अजीब से हैं और बिखरे बिखरे रहते हैं, ऐसे इतने लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे। उसकी बहन के भी, वो ऐसा लगता है बाल कटवाती नहीं है, चूहों से कुतरवाती है। और सबसे बड़ी बात, वो जो आदमी है ना, बात अच्छी हो या बुरी हो, हमेशा बेहतरीन 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 ऐसे ऐसे से करता रहता है। और उसकी बहन जहर का कहर की रट लगाए रहती है। हाँ याद आया, उन दोनों को मैंने देखा था, उधर बाईं तरफ गए थे। हमने कहा था। अरे नहीं नहीं, तुम दाईं तरफ जाओ, दाईं तरफ जाओगे तो उन्हें ढूंढ पाओगे। ठीक है, हम चलते हैं, चलो। क्या तुम भी, तुम्हें तो बस मुझसे उलझने में मजा आता है। वो दोनों बाईं तरफ गए थे, पता है तुम्हें? हमें लगता है ना शौहर सही होते, हमें बाईं तरफ चलना चाहिए। नहीं, मुझे उनकी बेगम ज्यादा समझदार लग रही थी, हमें दाईं तरफ ही चलना चाहिए। नहीं, हमें बाईं तरफ चलना चाहिए, दाईं तरफ चलना चाहिए। 16 की हो या 60 की, लड़कियां बहस करना छोड़ती ही नहीं। तो तुम्हें बहस नहीं करनी ना, फिर चलो दाईं तरफ। नहीं, हम जा रहे हैं बाईं तरफ। मैं जा रही हूँ दाईं तरफ। जाओ, हम बाईं तरफ जाएं। काम हो गया। भाईजान, आप इसको कह दीजिए कि आपको ये सौदा मंजूर नहीं है, कह दीजिए। भाईजान, आप ठीक नहीं कर रहे। भाईजान, चुप चुप। भाईजान, आपको काला चिराग चाहिए ना, हम कोई और तरीका निकालेंगे। भाईजान, सुनो, छोटी बहन हो, छोटी सी कीमत भी अदा कर दो, जा। हमें हमार छोड़िए भाईजान। सुनो, तुम्हारी जान गिरवी रखी है, ली नहीं है अभी तक, इसलिए तसल्ली रखो, सब ठीक हो जाएगा। ले जाइए। भाईजान, 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 अब तो आपको हम पर यकीन हो गया। क्या नाम बताया? अलादीन। अलादीन को अगर फंसाना है तो उसे यहां ले आना होगा। वो कैसे करोगे जफर? उसके सारे इंतजामात हम कर चुके हैं। खैर, अपना जादू यार इधर रख दो। क्यों? अरे कह रहे हैं रख दो ना। कितने जिद्दी है। लीजिए। वो गली बली से खोए हुए लोगों को ढूंढने वाला जहर तुमने मंगा लिया? हाँ हाँ, मेरे ये लीजिए। ठीक है, जाओ उसे वहां रख दो। ये हमारे तरकश का आखिरी थी, इसकी वजह से हमारा दुश्मन वहां पहुंच जाएगा जहां हम चाहते हैं, और हाल फिलहाल के लिए उसके चिराग की ताकत भी कम हो जाएगी। तरीन, अलादीन और यास्मीन दो राहे पर पहुंच चुके होंगे,
यानी दुश्मन ज्यादा दूर नहीं है। चौराहे पर पहुंचते ही उन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। अब ना वो रास्ते कभी मिलेंगे ना वो दोनों। अब बारी हमारी नए चाल की। जफर और जहर शायद यहीं छुपे होंगे। यहां दाखिल कैसे हो? दरवाजा तो है ही नहीं। आकर गलती तो नहीं करती। ये भी तो हो सकता है कि मुझे और अलादीन को अलग अलग करना किसी की सोची समझी साजिश हो। अगर ऐसा हुआ तो उसकी जान खतरे में। मुझे वापस जाकर उसे आगाह करना होगा। आप घबराइए मत, हम आपको आजाद करते। मुझसे दूर रहो। इन रस्सियों को छूना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। फिर आपको ये हाल किसने किया? जफर, क्या आपने जफर नाम के शख्स को देखा यहाँ पे? जफर? हाँ, जानती हैं जफर को? देखिए, उस तक हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है। आपको जो कुछ भी पता हो मुझे बताइए। बताऊंगी, पर अगर तुम मेरी मदद करोगे तो। अगर आप शर्त नहीं भी रखती तो भी हम आपकी मदद करते। शहजादे ऐसे ही होते हैं। माफ करना शहजादे, मेरी ये हालत ना होती तो मैं आपसे ऐसी शर्त बिल्कुल भी नहीं रखती। कहिए कहिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मेरे अब्बा को बचाने में तुम्हें मुझे मदद करनी होगी। आपके अब्बा कहाँ है वो? कहानी बहुत लंबी है, दर्द भरी भी। गौर से सुनना। मेरे अब्बा एक रियासत के सुल्तान थे। अपनी आवाम को हर मुसीबत हर हमले से बचाने के लिए वो दुनिया के सबसे ताकतवर सुल्तान बनना चाहते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि उन्हें कहीं से एक जादुई चिराग मिल जाता जिसका जिन उन्हें सबसे ताकतवर बना दे। उस जिन की तलाश में ही वो एक बार मार्केश गए थे। खुशकिस्मती देखो, उन्हें जिन मिल गया। उन्होंने जिन से कहा कि उन्हें इतनी काली ताकतें दे दे कि जरूरत आने पर वो किसी को भी तबाह कर पाए। अब उन्हें जिन को अपनी ख्वाहिशें दिखाई और उसने चालाकी। उसने अब्बू को सबसे ताकतवर तो बना दिया लेकिन ताकतवर इंसान नहीं। मतलब सबसे ताकतवर जिन। जिन ने अब्बू की ख्वाहिश तो पूरी कर दी पर अब्बू काले धुएं में तब्दील होके चिराग में कैद हो गए।
काले चिराग में काले चिराग में तो काला जिन है, यानी आप उस काले जिन की बेटी हैं और आप चाहती हैं कि हम उस काले जिन को आजाद कर दें। सही खेल गए, इसका मतलब आप भी जफर के साथ मिली हुई हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.